व्हाट इज अप गेमर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे अपना माइनक्राफ्ट जावा एडिशन। लेकिन गाइस, आज हम अपने वर्ल्ड में नहीं जाने वाले, बिल्कुल भी नहीं। अपना वर्ल्ड आज नहीं छूने वाले, आज हम जाने वाले हैं मेगापोलिस में। मतलब यार, पूरी सिटी बना रखी है। और जब तक गाइस ये लोड हो रहा है, फटाफट से सब्सक्राइब बटन पर दबा दो गाइस, फटाफट से। ओके, तो ये लोड हो भी चुका। तो गाइस, आपको ये बिल्कुल सिंपल माइनक्राफ्ट लग रहा होगा अभी तक। तो पूरा यहाँ पे सिटी बन रखी है, बहुत दूर तक, बहुत ज्यादा बड़ी सिटी है। वैसे मैंने नहीं बनाई, मतलब मैंने मैप डाउनलोड कराया सिर्फ। कहीं आप सोच रहे हो कि मैंने बनाई, बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है यार ऐसी सिटी बनाने में। और गाइस, देख रहे हो क्या लग रही है यार सिटी। सो गाइस, इस वाली माइनक्राफ्ट की वीडियो में हम एक लैम्बोर्गिनी परचेस करने वाले। जी हाँ, मतलब माइनक्राफ्ट में लैम्बोर्गिनी। गाइस, मजा आ जाएगा। पहले से गाइस वीडियो को फटाफट से लाइक ठोक दो और एक बढ़िया सा कमेंट मार देना भाई। मैं ज्यादातर हर एक कमेंट पढ़ ही लेता हूँ गाइस, तो कमेंट जरूर से मारना। और गाइस, जिसने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा, ये वाली आईडी है मेरी, तो फटाफट से जाके वहां पे भी फॉलो कर लेना। चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, बहुत होगी प्रमोशन। मैं आपको एक बार थोड़ा सा सिटी दिखाता हूँ आसपास, मतलब उड़ के। वैसे भी हम ये क्रिएटिव मोड में खेल रहे हैं ऑब्वियसली। और भाई साहब, जिस बंदे ने भी ये बनाया ना भाई, कितनी मेहनत करी होगी यार उस बंदे ने। मतलब गाइस, कितना ज्यादा टाइम लग गया होगा इसमें। देखो ये कौन स्टीव खड़ा है भाई साहब, लेकिन इसकी गर्दन कहाँ चली गई भाई। स्टीव खड़ा है, चलो यहाँ पे तो यार ये सिटी टाइप लग नहीं रहा आपको, वापस अपनी जगह पे चलते हो। भाई मेरी बाइक कहाँ गई, और यहाँ पे किसी की गाड़ी भी ठुकी पड़ी है। सो गाइस, इस वाले माइनक्राफ्ट में सारी गाड़ी वगैरह है, लेकिन मैं अपनी बाइक कहाँ गई यार। तो अपनी बाइक ये खड़ी, ओके, तो इसमें बैठ जाता है। वैसे इसकी स्पीड बहुत ही गंदी है, आपको पता ही होगा यार, माइनक्राफ्ट में ऐसे मॉड डाल दिए वही बहुत बड़ी बात है। तो गाइज, हमें जाना है एक शोरूम में, जहाँ पे अपनी लैम्बोर्गिनी वगैरह खड़ी होगी। और बाकी यार सिटी देख रहे हो कितनी ज़्यादा सही लग रही है। ओ भाई, फुल स्पीड में भगाती है। इसकी स्पीड देखो अभी 34.6, मतलब ये किलोमीटर्स पर आर पे नहीं है, ये चक्स पर आ रहे हैं, मतलब जो माइनक्राफ्ट का यहाँ पे, माइनक्राफ्ट की यहाँ पे ये यूनिट है। ओ भाई साहब, ब्रेक ही नहीं लग रहा भाई, हट बेकार बाइक यार, ब्रेक ही नहीं लग रहा। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम एक कैफे में, और कैफे के साइड में यहाँ पे एक शोरूम होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो ये सारा का सारा यहाँ पे मैप है, आप देख सकते हो। ओ भाई साहब, सही बनाया यार बंदे ने। तो ये जो सामने की तरफ देख रहे हो, ये गोल्डन वाला, ये मेरे हिसाब से यहाँ पे शोरूम है, तो वहीं पे चलना होगा हमें। और बाकी ये क्या बना रखा है इन लोगों ने। और गाइज, ये अपना सामने की तरफ शोरूम। ओ भाई साहब, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी देख सकते हो गाइज, ये यहाँ पे खड़ी अपनी लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, सही वाली बनाई है। और यहाँ पे खड़ी एक रोल्स रॉयस, मेरे हिसाब से ये रोल्स रॉयस घोस्ट होनी चाहिए, नहीं कोई दूसरी वाली है ये। और यहाँ पे एक छोटी सी, जो GTA 5 में गाड़ी नहीं होती छोटी सी, उसी टाइप की यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, नैनो टाइप। कौन सी लैम्बोर्गिनी भाई, ये सेंटेनेरियो है मेरे हिसाब से। ओके नहीं, ये वो है रोडस्टर है मेरे हिसाब से। और ये है बुगाटी वेरोन मेरे हिसाब से, ये चिरोन है, पता नहीं यार, थोड़ा पता नहीं चल रहा अच्छे से। और बाकी यहाँ पे एक बाइक भी खड़ी हुई है। तो यहाँ पे यार दुकान वाला बंदा कहाँ गया, 2 स्टैक डायमंड के बदले 1 गाड़ी मिलती है हमें, लेकिन यहाँ पे दुकान वाला ही गायब है। कहाँ पे है भाई दुकान वाला, आसपास तो कोई भी नहीं दिख रहा मेरे को। यहाँ पे हम जमा कर देते हैं, यहाँ पे हमें डायमंड्स, वैसे भी हम क्रिएटिव मोड में तो डायमंड मिल ही जाएंगे बहुत सारे, इतने सारे दे देते लो भाई। ओके, तो हम सारी गाड़ियाँ यहाँ से ले चलते हैं। और बाकी यार अपनी लैम्बोर्गिनी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है यहाँ पे। और हम यहाँ से चलेंगे किसी बढ़िया जगह पे, मतलब खुली जगह हो, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी की टेस्टिंग कर सकें। और भाई साहब, गार्डन देख रहे हो गाइस, कितना ज़्यादा सही बनाया इन्होंने। और यहाँ पे क्या लगा रखा, ओ भाई साहब मैकडोनल्ड, सही है यार, अंदर चल के देख लेते हैं एक बार। गाड़ी यार टेस्ट करनी है, लेकिन पहले यहाँ पे थोड़ा सा सिटी में घूम लेते हैं हम। और गाइज, मेरे को कमेंट्स में मेरे को जरूर बताना कि अगली वीडियो में किस पे लाऊं। मैं सोच रहा हूँ गाइज, अगली वाली वीडियो लॉस्ट सैंटोस की जो सिटी, वो मैं माइनक्राफ्ट में दिखाऊं। अगर आपको वो वाली सिटी मैं माइनक्राफ्ट में चाहिए, तो फटाफट से कमेंट कर देना गाइज। ओके, तो ये मैकडोनल्ड्स है। ओ भाई साहब, देख रहे हो गाइज, डॉलर्स लिखे हुए, मैंने सोचा डायमंड लिखा होगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, कोई रोड नहीं मिल रहा यार खाली सा, थोड़ा उड़ के देख ले। और भाई साहब, बिल्डिंग देख रहे हो कितनी ऊँची ऊँची बना रखी बंदों ने। सो गाइस, फाइनली यहाँ पे मेरे को एक लंबा सा खाली रोड मिला तो है, तो यहाँ से हम अपनी गाड़ियाँ चलाएंगे। तो पहले हम चलाने वाले हैं यहाँ पे बुगाटी चिरोन। ओ भाई साहब, बिल्कुल रियल लग रही है यार। ओ भाई, सही बना यार बंदों ने, एक बार मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ ये। ओ तेरी, सही लग रही है यार काफ़ी ज़्यादा। तो इसे चलाते हैं। और गाइस, मेरे पास यही वाली गाड़ी नहीं है, और बहुत सारी गाड़ियाँ मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। तो यार सारी तो टेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जो मेन गाड़ी होगी वही टेस्ट करेंगे, और जो हमने अभी खरीदी वही वाली टेस्ट करेंगे। सारी गाड़ी चलाने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसको चलाते हैं। ओ भाई, इंटीरियर देख रहे हो गाइस, हेलमेट बाहर निकल रहा है अपना, तो सही है यार गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है मेरे को। चलो अब इसे चला के देखते हैं इसकी स्पीड कितनी होगी, फुल स्पीड में भगाएंगे। वैसे मेरे को पता है कि माइनक्राफ्ट की, मतलब ये जो गाड़ी है, इसकी ब्रेकिंग सिस्टम बड़ा ही गंदा होता है। ओ भाई, हैंडलिंग भी बड़ी गंदी है, लेकिन स्पीड सही है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से भगा के देखते हैं। वैसे ओ भाई, स्पीड देख रहे हो गाइस, कंट्रोल नहीं होने वाली मेरे हिसाब से बिल्कुल भी, लेकिन गाड़ी यार काफ़ी ज़्यादा स्पीड है इसमें, मज़ा आ रहा है यार काफ़ी ज़्यादा चलाने में।
माइनक्राफ्ट में यार गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस ही अलग है, क्या ही बताऊँ। ओ भाई साहब सही है यार, चलो ये वाली चलाते, अब दूसरी वाली चला के देखते हैं। सामने भी एक कोई गाड़ी खड़ी हुई है, वो किसकी गाड़ी खड़ी है भाई, लग तो मेरे को बुगाटी रही है। चलो यहाँ से वापस चलते हैं, और अब हम चलाएंगे लैम्बोर्गिनी हेरिकन। सारी गाड़ियाँ चला नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें। ये भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, एक बार इंटीरियर देखते हैं इसका भी। ओ भाई डैशबोर्ड देखो, बिल्कुल असली का असली बना रखा है। है तो यार डब्बे वाली ग्राफिक्स, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है देखने में गाड़ी माइनक्राफ्ट में। तो इसकी हैंडलिंग सही है, इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी काफ़ी सही है, और स्पीड भाई साहब इसकी स्पीड देख रहे हो गाइस, इसे चलाने में सही वाला मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे रोड पे यार जानवर घूम रहे हैं GTA 5 की तरह। ओके इसे भी यहाँ पे पार्क कर देते हैं, पार्क नहीं करेंगे ले ही लेते हैं इसे। ओके आ जा, अबे बैठना नहीं है, ले लेते हैं वापस जेब में रख लेते हैं भाई हम गाड़ी सीधा। ओके तो अब हम गाइस चलाएंगे ये फरारी वाली गाड़ी, ये कोई फरारी की F40 गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा पुरानी गाड़ी है। ओ भाई ये भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, ये काफ़ी ज़्यादा भगने वाली है मेरे हिसाब से। साइड वाली सीट में बैठ गया, मैंने सोचा चल क्यों नहीं रही, बैठ क्यों नहीं रहा यार ये। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दूसरी गाड़ी चला के देखते हैं कोई। और तो यहाँ पे कोई मिनी कूपर है मेरे हिसाब से, ये चला के देख लेते हैं। लग तो यार मिनी कूपर ही रही है फिर, पता नहीं यहाँ पे साइन देख के तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो देखते हैं एक बार चला के। ओ भाई साहब ये सही लग रही है, ये भी कोई जीप टाइप की या पे SUV गाड़ी है, इसे भगाते फुल स्पीड में। ये वाली गाड़ी पसंद आई मेरे को सबसे ज़्यादा। चलो कोई दूसरी चला के देखते हैं हम, ये कौन सी गाड़ी। ओ भाई फरारी, ला फरारी भाई साहब ब्लैक कलर में, ये वाले चलाते हैं यार, इसमें मज़ा आने वाला है। ये भी ठीक ठाक सी यार, मतलब इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा इसमें। SUV वाले में ज़्यादा मज़ा आया था, और लैम्बोर्गिनी एवेंटेटोर में ज़्यादा मज़ा आया था, इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। और ये वाली फरारी तो चली ही नहीं थी यार, पता नहीं क्या दिक्कत है इसमें। अब चलाते हैं हम इसकी नैनो वाली गाड़ी। वो भाई आईफोन लगा रखा है यहाँ पे अंदर। बाकी गाड़ियों के मुकाबले इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, सही चल रही है, लेकिन हैंडलिंग वगैरह कंट्रोलिंग वगैरह इसका काफ़ी ज़्यादा सही है। इसको अंदर रख लेते हैं। अब चलाते हैं गाइस हम रॉयल्स रॉयस, मतलब रॉयल्स रॉयस कैसी होगी दिखने में यार, मज़ा आ जाएगा। ओके वो भाई साहब ये पूरी मतलब ब्लैक कलर की, और अंदर से रेड कलर की इंटीरियर वगैरह कुछ लगा रखा है। तो गाइस ये रहा इसका इंटीरियर पूरा, मतलब लेदर का यहाँ पे इंटीरियर है अंदर से। तो गाइस गाड़ी तो यार बहुत चला ली हमने, और ये क्या स्कूल, ये पबजी वाला हॉस्पिटल लग रहा है मेरे को। इंटीरियर तो पूरा खाली पड़ा हुआ है A to Z, लेकिन मतलब एक्सटीरियर काफ़ी ज़्यादा सही बना रखा है इन लोगों ने। और यहाँ पे यार काफ़ी ज़्यादा विलेजर वगैरह भी घूम रहे हैं, मैकडोनल्ड तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो एक बार यार चलते हैं उस मेन वाली जगह पे जहाँ पे मतलब मैप रखा हुआ था। और यहाँ पे क्या भाई साहब इतना बड़ा क्या बना रखा है ये। ओ भाई यहाँ बसड़ क्यों मचा रखी लोगों ने, क्या चीज़ है ये। मेरे हिसाब से ये कोई स्टेडियम है मेरे हिसाब से। और भाई साहब कुछ ज़्यादा ही बड़ा बना रखा है ये, इतना ज़्यादा बड़ा बना रखा है। और वैसे रात हो चुकी है यहाँ पे, एक बार हम यहाँ पे सो जाते हैं, वैसे दिन का व्यू अच्छा होता है, रात का अच्छा नहीं होता व्यू इतना। अब स्टेडियम दिखा दूँगा इस, कितना ज़्यादा बड़ा स्टेडियम है। ओ भाई यार इसको बनाने में मतलब 6 से 7 महीने तो लग ही गए होंगे पूरी सिटी को यार। और साइड में तो पूरा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, एक बार मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाता हूँ ऊपर से। और अपनी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हुई है, तो लगभग सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एक्सप्लोर कर ही लिया है। यहाँ पे बसेस वगैरह कुछ खड़ी हुई है, सबसे ज़्यादा ऊँची मेरे हिसाब से बिल्डिंग वो वाली है ब्लू वाली, और ऊपर क्या हेलीकॉप्टर है वो, लेकिन वो चलता थोड़ी ना होगा। वो भाई साहब इतना ऊंचा लगा रखा है। हाँ गाइस ये हेलीकॉप्टर है, सही बना रखा है यार, हेलीपैड भी बना रखा है देख सकते हैं यहाँ पे। और ये है सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग, भाई साहब कितनी ऊंची है, मेस बैंक टावर लग रहा है मेरे को तो ये। और बाकी यार सिटी जिसने भी बनाई यार काफ़ी ज़्यादा सही बना रखी है यार। इस तरफ जाके देखते हैं एक बार। ओ भाई ये तो पूरा जंगल ही जंगल है यहाँ पे। तो मेन सिटी यार यहाँ से स्टार्ट होती है, मतलब यहाँ पे रोड वगैरह भी बना रखे हैं। वो भाई मतलब यहाँ पे पूरा हाईवे वगैरह जैसे सिटी होती है ना बिल्कुल A to Z वैसी की वैसी है। सो गाइस अगली वाली वीडियो में मैं सोच रहा हूँ लॉस सैंटोस बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, मतलब लॉस सैंटोस है ना जो GTA 5 का, वो A to Z मतलब बिल्कुल डिट्टो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो अगर गाइस वो वाली वीडियो आपको चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर देना। और भाई साहब विंड मिल देख रहे हो गाइस, वर्किंग विंड मिल है यहाँ पे। ओ भाई सही है यार, ये कैसे बनाया, रुक जाओ यार देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे पिस्टन वगैरह लगा के बनाया इन्होंने। ओ भाई कलाकारी देखो यार बंदों की, काफ़ी ज़्यादा सही है। सिटी कैसी लगी आपको कमेंट्स में मेरे को ज़रूर से बताना, मेरे को तो यार बहुत ज़्यादा तोड़ लगी यार, मज़ा आ गया देखकर। और यहाँ पे खेती बाड़ी भी हो रही है अच्छे से। सो गाइस ये वाली वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगली वाली वीडियो में आपको लॉस सैंटोस का मतलब यहाँ पे टूर चाहिए तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।